दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार यश भाई के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फिल्म दुनिया एक ऐसी जगह है जहां चुनिंदा लोग ही सुपरस्टार बनते हैं। आम घर से निकलकर एक सुपरस्टार बनना तो और भी बड़ी बात है। भारत में ऐसे शोहरत गिने चुने एक्टर्स को ही हासिल हुई है, जिनमें एक नाम यश का है। यश ने साधारण परिवार से आने के बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारी और कड़े संघर्ष के बाद खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे। 2 साल पहले तक यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार थे, लेकिन साल 2018 में आई केजीएफ फिल्म ने उन्हें देश का एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, केजीएफ ऑल ओवर इंडिया एक धमाकेदार हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसकी वजह से यश की फैन फॉलोइंग में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब एक्टर जल्द ही केजीएफ 2 में नजर आएंगे। आइए आपको बताते हैं यश की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें। दोस्तों, यश का असली नाम नवीन कुमार गोंडा है। जब यश ने एक्टिंग की शुरुआत की थी तो उन्हें सुझाव दिया गया कि नवीन कुमार की जगह कोई और स्क्रीन नेम रख लें। इसके बाद उन्होंने अपने बचपन का निक नेम यश को स्क्रीन नेम बनाने का फैसला किया। यश कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पले बड़े हैं। उन्होंने अपना बचपन शहर से दूर बिताया है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि यश के पिता एक बस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। पिता अपने बेटे के एक्टर बनने के बाद भी कई सालों तक ड्राइवर रहे थे। उन्होंने 2014 में नौकरी छोड़ी। यश को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने 12वीं क्लास तक डिसाइड कर लिया था कि वह आगे चलकर एक फिल्म एक्टर बनेंगे। उन्होंने एक्टर बनने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। यश की पढ़ाई छोड़ने पर माँ बाप ने काफी गुस्से का इजहार किया था। यश का परिवार नहीं चाहता था कि वह एक एक्टर बने। हालांकि उन्होंने सपनों को नहीं त्यागा। परिवार ने उनसे यहाँ तक कह दिया था किसी रिश्तेदार को अपनी एक्टिंग के बारे में कभी मत बताना। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़कर बेंगलुरु रहने का निर्णय किया। यश एक्टर बनने के लिए परिवार से दूर बेंगलुरु आए थे। जब वह इस शहर में आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे। वह यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। यश को बेंगलुरु में थिएटर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वह थिएटर के अपने शुरुआती दिनों में एक बैकग्राउंड एक्टर थे। यश को एक फिल्म के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी सेलेक्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी। यश को तब पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, फिल्म बंद होने के बाद यश की आर्थिक स्थिति और भी खस्ता हो गई थी। उनके पास उस दौरान रहने तक की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक रात बस स्टैंड पर सोकर गुजारी थी। दोस्तों, यश ने कई टीवी शो में काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने पहली बार साल 2018 रिलीज हुई फिल्म मुगीना मंसू में सपोर्टिंग रोल किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक सुपर स्टार बनकर ही दम लिया। दोस्तों, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है। दोस्तों, यश को कभी नहीं लगा था कि उनकी केजीएफ फिल्म को हिंदी भाषी दर्शकों को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। केजीएम में गरुणा का किरदार यश के बॉडीगार्ड राम ने निभाया है। राम 12 साल से यश के बॉडीगार्ड रहे हैं। उन्होंने खुद फिल्म के लिए राम को एक्टिंग सिखाई थी। यश ने एक्ट्रेस राधिका को अपना हमसफर बनाया है। दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2016 में शादी की थी। यश और राधिका ने टीवी सीरियल के अलावा 4 फिल्मों में साथ काम किया है। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।